हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर कि कब तक आप लोगों की ये वैकेंसीज आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर रखनी चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका इंतज़ार आप लोगों को काफ़ी दिनों से है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। और किस तरीके से आप लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए कि आप लोगों को वर्दी मिल सके, उन्हीं सभी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कब तक आप लोगों की ये वैकेंसी आपके सामने होगी, कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है और किस तरीके से खुद आप तैयारी करें, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों, वो है अब पहली बार हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आप जानते होंगे हमारे चैनल का एक ऐप भी है और ये ऐप आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमने आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए क्या कर दिया है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अपना ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है, एक बार उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें और इस एग्जाम को क्रैक कर सकें और आप जान सकें कि आप कहां पर हैं। इसके अंदर आप लोगों को चार मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। आप कहीं भी मार्केट वगैरह में जाते हैं, परेशान होते हैं, पुराने पेपर नहीं मिलते, तो यहाँ पर आपको चार प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे 2019 के। इससे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, किन सब्जेक्ट्स पर आपको मेहनत करनी चाहिए। और इन पेपर का आप टेस्ट भी लगा सकते हैं और उन टेस्ट के बाद आप अपना ऑल इंडिया रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि आप कहां पर हैं, आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कौन सा पार्ट अच्छा है, और आपको आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा आता है। उसके अलावा और जो बेनिफिट्स हैं और सॉल्यूशन भी आप लोगों के पूरा डिटेल में गिवन है। दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा कंप्लीट फुल टेस्ट, एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह आपके पास 10 टेस्ट भी आएंगे, 10 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा सेक्शनल टेस्ट। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कंप्लीट टेस्ट नहीं दे पाते, वो अपने एक सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे आप लोगों का कुछ लोग अपना जीके अच्छा करना चाहते हैं, कुछ मैथ्स अच्छा करना चाहेंगे, कुछ रीजनिंग, कुछ हिंदी, तो इसी तरीके से आप लोगों के 15-15, 20-20 करके सेक्शन टेस्ट भी है। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं, लगभग 100 के आसपास आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, जिस 100 टेस्ट में से आप लोगों को 4 प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, 10 फुल टेस्ट होंगे और बाकी के बाकी आपके सेक्शन वाइज, हर एक सेक्शन का, ताकि आप कहीं बस में इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं, आपको समय लगा तो 15-20 मिनट निकाल के आपने जल्दी से अपना जीके, हिंदी या फिर आप लोगों का रीजनिंग का टेस्ट जल्दी से वहां पर कवर कर लिया। इससे आप लोगों की तैयारी और मजबूत होगी और आपको आइडिया लगेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज करके ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है। जी हाँ दोस्तों, 300 रुपीज़, ठीक है। तो 300 रुपीज़ में आप इस टेस्ट सीरीज के साथ एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आप लोगों के मन में सवाल है काफ़ी दिनों से कि ये भर्ती आखिर कब आएगी। 2019 में पिछला एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड है मार्च के अंदर, फेब में भी हो सकता है लेकिन मार्च लास्ट तक 100% ये वैकेंसीज आप लोगों के सामने होंगी। आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, जैसे OBC का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास, अगर आप SC ST वाले हैं या अपने न्यू, क्योंकि जो UP पुलिस है वो एक क्रूशियल डेट मांगता है, तो उन एग्ज़ाम से पहले का ना हो, 1 साल के अंदर का होना चाहिए आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। डोमिसाइल आप लोगों के पास होना चाहिए, जो भी अगर EWS है तो EWS भी और SC ST इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा आपका 12th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और जो सनद जिसको बोलते हैं, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए उस समय, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम होता है। क्या होता है? एग्जाम। और किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि उस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करेंगे। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्या समझना होगा? एग्जाम का पैटर्न समझना होगा कि आखिर पूछा क्या जाता है, और उसी में आप लोगों की हेल्प करेगी हमारी ये टेस्ट सीरीज कि एग्जाम में पूछता क्या है, ताकि आप अपने अच्छे से मेहनत कर सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि इस एग्जाम में आपको किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है, और किस सब्जेक्ट को आप टारगेट करेंगे उसे समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? पेपर समझना होगा। और पेपर आप कहां से समझेंगे? जो हमने टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई है, वहां से आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। और पेपर को समझने के लिए फिर आपको मालूम होगा कि किन सब्जेक्ट पर आपको मेहनत करनी है और किन सब्जेक्ट पर आपको मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी और रीजनिंग, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे तैयारी करने में। जिन स्टूडेंट्स ने अपना हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छा कर लिया, समझ लो उसका सिलेक्शन यहां पर हो गया। ठीक है, हिंदी के आप लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, हैंड रिटन नोट्स हैं, 100 रुपीज में आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर एग्जाम से पहले आपने 3-4 बार उन नोट्स की रीडिंग लगा ली, बस 3-4 बार, 100 पेज के वे नोट्स हैं, मैं गारंटी देता हूं आपका हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना है, आपको वो हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। 3-4 बार रीडिंग लगा लो, अगर आपको सच में चाहिए सिलेक्शन तो हिंदी आपका वहां से पूरा कवर हो जाएगा, और बाकी जो टेस्ट सीरीज आप लोगे उससे आपके टेस्ट में कवर हो जाएगा। इतना काम करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर रीजनिंग दो तरीके की है, एक तो जैसा SSC पूछता है, उसके अलावा थोड़ा सा घुमा के 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि ईजी है, और लगभग 53 के आसपास सवाल रीजनिंग से होता है। तो 53 + 37 आप जोड़कर देखिएगा तो कहीं ना कहीं 80-90 सवाल, 150 सवालों में से 80-90 सवाल आपको इन दोनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही बैठता है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे ज़्यादा नंबर का नहीं पूछता, 15 से 20 नंबर का मैथ्स आता है और बाकी आप लोगों का 37 नंबर का GK है, तो बाकी जो सारा पोर्शन है वो आपका हिंदी और रीजनिंग कवर किया हुआ है। अगर आप हिंदी और रीजनिंग में मेहनत कर लेते हैं, ये दो सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे कर लेते हैं, तो आप 100% कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं और यहां पर सिलेक्शन बोर्ड में लिखेंगे। ठीक है, कभी समय मिलेगा आप चाहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को किस तरीके से किस पार्ट पर, लेकिन मैं गारंटी देता हूं हिंदी के अलावा ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, नोट्स के अलावा ना कुछ, सिर्फ उन नोट्स की 3-4 बार रीडिंग लगाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ, और आपको मैं वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की, उन वीडियोज को देख लो, आपका हिंदी कवर। मेरे पास रीजनिंग और मैथ्स की पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं जो मैंने बैच चलाया था, आप उनको परचेज कर सकते हैं ऐप से, वो आपका मर्जी है, लेकिन आप चाहें तो रीजनिंग इतने हार्ड नहीं है, खुद भी तैयारी कर सकते हैं। तो इन दो सब्जेक्ट पर जरूर आपको फोकस करना होगा, आपको पेपर समझना होगा, उसी अनुसार आप इसको फोकस कर पाएंगे। टारगेट मैंने बता दिया कि टारगेट आपको क्या रखना है, अपना हिंदी और रीजनिंग को टारगेट बनाओ और मेहनत करना स्टार्ट करो। टारगेट एग्जाम कब तक हो सकता है? तो दोस्तों अगर फॉर्म आते हैं मार्च के आसपास तक, जहां तक मुझे एक्सपेक्टेड है, जुलाई के एंड में या अगस्त तक ये एग्जाम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम ही कराया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मार्च के लास्ट तक आप लोगों का फॉर्म आने की संभावना है, अगस्त तक आप लोगों का ये पेपर करा देंगे, उसके आपको ज़्यादा समय नहीं देता है, फिर उसके बाद आपकी जो है फिजिकल वगैरह की प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करिए, प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करके यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है उसमें आप एनरोल करें। और हिंदी का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप फोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके 100 रुपीज़ का आप वो हिंदी के नोट्स ले सकते हैं, और उनको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। यूपी पुलिस के लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेगा, जिसका कॉस्ट आप लोगों का सिर्फ 500 रुपीज कर दिया गया है, पहले ये 1000 रुपीज था, लेकिन जैसा कि रिकॉर्डेड बैच है तो आप सिर्फ अब इसको 500 रुपीज में मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस आपको मिल जाएगी। हिंदी की वीडियोस मैं यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, वो वहां से आपको मिल जाएगा। तो अपना तैयारी शुरू करिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और इस बार जो आप लोगों का सपना है तो वर्दी आप लोगों का इंतजार कर रही है, तो आप भी मेहनत शुरू करिए और
सिलेक्शन लेकर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपका कोई यार दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो एमटीएस का, जैसा कि आप जानते होंगे एमटीएस के फॉर्म आ चुके हैं, उसकी तैयारी कर रहा है, तो एमटीएस में भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे पास। उनके लिए भी टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है एमटीएस के लिए। एमटीएस का जो अभी अभी आप देख रहे होंगे फॉर्म निकले हैं, तो देख सकते हैं 280 प्लस एमटीएस में टेस्ट आपको मिलेंगे क्या कितने, और देख लीजिए कैसे कैसे 221 चैप्टर के टेस्ट हैं, 35 फुल टेस्ट मिलेंगे, 50 सेक्शनल टेस्ट है, 90 पुराने पेपर हैं और 100 से ज़्यादा और टेस्ट हैं। तो SSC MTS का भी टेस्ट सीरीज है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कहीं मिलेगा भी नहीं अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं। और यूपी पुलिस के लिए भी 100 से 150 के आसपास आप लोगों को पेपर देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।